एक समय की बात है, एक मोबाइल दुकानदार ने अपने मोबाइल दुकान पे जो भी मोबाइल बिगड़ा हुआ था, जो भी बिगड़े हुए मोबाइल थे, उसको बना बना के अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक राजनेता अपने प्रचार के लिए, राजनीति में प्रचार के लिए, अपने जो भी है आदमी के द्वारा, या फिर बहुत सारे उनके साथ आदमी थे और अपने प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के दौरान उनके उस मोबाइल दुकानदार के दिमाग में आया, भाई क्यों ना ऐसे ही मैं भी एक बड़ा काम करूं जिससे कि मेरा भी नाम हो जाए। तो उनके दिमाग में ये बात आया, तो कुछ दिन बाद उन्होंने भी अपना राजनीति में कैरियर चूज किया और राजनीति का काम करने के लिए चल पड़े। जैसे ही कड़ी धूप में, लहलहाती धूप में अपने प्रचार के लिए निकले, कुछ देर बाद इतनी कड़ी धूप थी कि खुद वे धूप के कारण गिर पड़े। इतनी तेज गर्मी थी कि धूप के कारण वो गिर पड़े। उनके बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद अपने आँखों को खोले तो उनको पता चला, देखे कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में होने के बाद फिर वो जगे, जगने के बाद फिर निकले, भाई इस धूप से सूर्य से बड़ा कोई नहीं है, क्यों ना मैं सूर्य बन जाऊं। फिर सूर्य बने, सूर्य बने, देख रहे थे कि किसान एक खेत में काम कर रहा है, कितनी भी कड़ी तेज अपने सूर्य की जो भी गर्मी थी उस पे डाल रहे थे, कोई उस पे फर्क नहीं पड़ता था। तो भाई किसान से भी उन्होंने सोचा कि भाई किसान से तो मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, कारण कि उनको इतनी कड़ी धूप है और मेरे धूप की इतनी धूप को वो सहन कर ले रहा है, कुछ और बनता हूँ। उसके बाद उन्होंने हवा बना, सोचा क्यों ना हवा बन जाऊँ, ताकि पेड़ पौधे और बहुत सारे जितने भी लोग हैं मैं तबाह उनको कर सकूँ, उसके बाद सबसे शक्तिशाली बन जाऊँगा। तो कितनी भी झोंका पे हवा बहा, कितनी भी झोंका चल रही थी, हवा की झोंकाएं चल रही थी, तो पहाड़ जरा सा भी नहीं हिला, पहाड़ नहीं हिला। तो फिर उनके दिमाग में विचार आया कि पहाड़ तो डगमगा नहीं रहा, इस दुनिया में पहाड़ से बड़ा कोई नहीं है, क्यों ना मैं पहाड़ बन जाऊं। जब पहाड़ बने तो देखे कि एक छेनी हथौड़ी से उस पहाड़ को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है दोस्त, इस दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम करे, पूरी मेहनत के साथ करे, पूरी लगन के साथ करे, वो खुद काम का रूप ही, आप करने का तरीका ही उसे बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा।